वेलकम टू माय चैनल नव्यास क्विक रेसिपीज। आज मैं बहुत ही अच्छी स्वीट डिश लाई हूँ। इसका नाम है मिल्क चॉकलेट बर्फी। इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये है 1 कप चीनी, यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया हुआ है, और ये मैंने 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डालडा लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं ग्रीसिंग के लिए। यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटी हरी इलायची ली है, इसको बारीक कूट लिया है अच्छे से। और यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर 2 चॉकलेट 5 स्टार। यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक ब्रश ग्रीस करने के लिए, एक स्पैचुला। और यहाँ अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ से या चम्मच से इजीली उसको ग्रीस कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर लिया है मिल्टन का ये टिफिन, इसमें हम बर्फी सेट करेंगे अपनी मिल्क चॉकलेट बर्फी। अगर आपके पास ये नहीं है फ्रेंड्स, तो आप कोई भी स्टील की प्लेट या थाली या आपके पास कोई भी बर्तन हो उसमें आप बर्फी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस टिफिन को हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ब्रश में थोड़ा सा ये आप लगाइए, बटर घी या डालडा जो भी आपके पास हो वो आप इसमें लगा सकते हैं, और चारों ओर अच्छे से लगा दीजिए। तो फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं चॉकलेट ले रही हूँ, इसको अब इस टिफिन में जिसे हमने ग्रीस किया था इसमें हम इसके छोटे छोटे पीसेस इसके कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे इसको अच्छे से चॉकलेट को। फ्रेंड्स, अब ये चॉकलेट आप देख रहे हैं थोड़ी सी ग्रेटेड है इसमें, और थोड़े से इसके पीसेस हैं। इसको अच्छे से इसमें हमें प्रेस कर देना है, जो पीसेस डाले थे इसके टुकड़े उसको अच्छे से चम्मच से दबा दबा के चारों ओर इसमें फैला लेना है। बर्फी बनाना शुरू करते हैं, गैस को ऑन कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये दूध, यहाँ पर मैंने 2 कप दूध डाला है। अब इसे हमें बॉईल करना है अच्छे से, इसको हाई फ्लेम पर अभी बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें फ्लेम को मीडियम कर देंगे, अभी हाई फ्लेम थी, अब हम इसको मीडियम करके इसमें हम डाल देंगे ये 1 कप चीनी। इसको मीडियम फ्लेम पर हम चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से अभी उबलना शुरू हुआ है। अब इसमें मैंने यहाँ पर जो हरी इलायची ली थी 3 से 4, इसका छिलका हटा दिया है, और छिलके को हटा के इसके जितने भी दाने हैं इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी मिठाई में। और फिर इसको चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं लगातार इसको चलाते रहने के बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर बहुत देर तक चलाया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है, थोड़ा गाढ़ापन आ गया है इसमें। तो अब जैसे ये गाढ़ा होने लगे वैसे ही हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, बिल्कुल सिम। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे और गाढ़ा हो गया है। इसको जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो ये लगना शुरू हो जाएगा, इसमें जलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ये क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। गैस ऑफ कर देंगे। अब इस तैयार बैटर को हम इस टिफिन में डाल देंगे जिसमें इसमें चॉकलेट रखी थी ना।
तो फ्रेंड्स मैंने इसमें ये बनाने के बाद बैटर को इस टिफिन में सेट कर दिया है। आप चम्मच की सहायता से भी इसको सेट कर सकते हैं। स्पैचुला से मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी ही बनाई थी, ज्यादा नहीं बनाई है। आप ज्यादा बनाएं तो दूध की क्वांटिटी आप ज्यादा लें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर दिया है। आप देखिए इसको अच्छे से सेट करने के बाद इसका मैं ढक्कन लगा दूंगी टिफिन का, और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने। तो फ्रेंड्स मैंने मिल्क चॉकलेट बर्फी के पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं इनको एक बाउल में सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार है मिल्क चॉकलेट बर्फी। आप जरूर ट्राई करें। ये 2 कलर में हो जाती है, एक इस साइड चॉकलेट आ गई है और ये मिल्क, तो ये डबल कलर इसमें अच्छा सा आ गया है। तो फ्रेंड्स मेरी इस मिल्क चॉकलेट बर्फी की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू।